बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। नागपुर रेलवे स्टेशन परिसर में दुकान लगाने के एवज में पैसे मांगने वाली 3 युवकों को बड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी है कि 8 तारीख को आरोपियों ने फिरियादी मोहम्मद शाकिब की दुकान में जाकर मारपीट की और सामान तोड़ा और पैसों की मांग की है। घटना के दिन आरोपी चेतन गोखले, सोमनाथ जाधव, संजय झोले ने मिलकर फिरियादी मोहम्मद शाकिब की दुकान में और बाजू की दुकान में मारपीट की। दुकान में तोड़फोड़ करने के साथ ही पैसों की भी मांग उन्होंने की, ऐसा आरोप फिरियादी ने लगाया है। घटना के बाद फिरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, जिसके बाद जानकारी लेकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खंडनी का गुना दाखिल हुआ था। मोहन नगर का एक रहने वाला फिरियादी है, वो अपनी छोटी खाने की दुकान रेलवे स्टेशन के सामने चलाता है और वहाँ पर कुछ लोग आए रात को 8 बजे और उन्होंने उनको मारपीट किया और कुछ दुकान का सामान फेंक फाक किया। यहाँ दुकान लगाना है तो हमको खंडनी देना पड़ेगा और उन्होंने फिर उसको धमकी दिया कि नहीं देंगे तो यहाँ दुकान नहीं लगा देंगे। इसके बाद में यहाँ पर अपराध दर्ज किया गया और आरोपी का कोई क्ल्यू नहीं था। वो गोपनीय जानकारी के आधार पर हमारी टीम PSI विनोद तिवारी, संतोष कदम और बाकी स्टाफ है गणेश, सुशांत, आत्माराम और कोशी विक्रम सिंह ठाकुर, इन्होंने उसमें गोपनीय आधार पर जानकारी निकाली कि आरोपी घुड़केश्वर और उसके बाद में मानेवाड़ा और ये बार सिंगल बोरकर नगर के रहने वाले हैं। उसके बाद में उनसे उन मालूमात निकाल कर उनको ताबे में लिया गया और उनको अटक करके कल कोर्ट में भेजा गया। ये पूरी कार्रवाई माननीय वरिष्ठों के मार्गदर्शन में हमारी टीम ने की है और उनको अरेस्ट करके कोर्ट में जांच किए। इन आरोपियों पर इसमें से जो 2 आरोपी है, चेतन प्रमोद गोखले घुड़केश्वर का रहने वाला, इसके ऊपर ये पुराने अपराध है और ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, और ये सोमनाथ उर्फ बाड़ू जाधव ये मानेवाड़ा का रहने वाला, ये भी एक संगीन अपराध इसके ऊपर दर्ज है। इसको उतड़ी पार किया गया था कुछ दिनों पहले तो उनको अरेस्ट करके कोर्ट में हाजिर किया है। आगे की जांच जारी है। बाद में पता चला है कि फिरियादी के लड़के के ये आरोपी पहचान के है और खंडनी मांगना उनका ये उद्देश्य था। इन BCN न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।